हमें माफ कर दीजिए प्लीज। बस बहुत है तुम्हारा का। मेम सर, मैंने बर्तन साफ कर दिए और वो झाड़ू कट्टा भी मैंने कर दिए, और ना आपने वो सब्जी रखी थी ना गैस पे, वो हो गई है। मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप दोनों जाके ना नाश्ता कर लो, और तब तक मैं इधर के झाड़ू कटका करती है। चलिए नाश्ता लग गया। मैडम वो बड़ी वाली मैम साहब है ना, वो मेरे को हमेशा बोलती आपके ये साहब है ना बहुत चांगले। अरे नाश्ता तो करते चाहिए। मुझे नाश्ता नहीं खाना, मेरे शाम को वापस आने से पहले तुम यहां से चली जाना रात का। अविनाश, 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 अरे ईशु ईशु ईशु। ओ सर की बेपर है अविनाश, तुम एखनो तैयारी होनी सर। मेरा मतलब है तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया था, नाश्ता कर रहा था सर। ओह आई एम सॉरी। मीट माय ब्यूटीफुल एंड एवरग्रीन वाइफ मौसमी शेन। नमस्कार अविनाश। नमस्कार। अविनाश स्त्री राधिका। नमस्कार राधिका। नमस्ते राधिका। मैंने जो बाई भेजा था वो ठीक से काम कर रही है ना? जी, थैंक यू सो मच मिसेस। मैम साहब, मैंने अंदर का रूम साफ कर दिया और साफ का कपड़ा है ना वो भी अलमारी में डाल दिया। नमस्ते मैम साहब। अच्छा मैं चलो अभी। जी। की बेपर अविनाश, तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? जी नहीं सर, मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं नहीं जा रहा सर। मुझे तो बड़े चंगे बंदे लगे जी, रुपए पैसे का बिल्कुल भी घमंड नहीं है उन लोगों को। वरना कोई आजकल कहता है क्या, सगाई में सिर्फ शगुन दे दो और लेना देना बाद में होता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। जय जी, ये सब आपकी पूजा पाठ का असर है जो भगवान इतने चंगे बंदों से मिलवा देता है। देखिए बाबूजी, बलवंत अंकल ने तो अपना बड़प्पन दिखला दिया, लेकिन हम लोगों को भी अपना फर्ज निभाना होगा। अरे एक ही तो बहन है, उसको ऐसी तो नहीं निपटा देंगे ना हम लोग। हाँ प्राजी, शशि बिल्कुल ठीक कह रहा है, रिवाज के हिसाब से जो होता है कम से कम उतना तो हमें करना ही पड़ेगा ना। हाँ, मेरे ख्याल में एक अंगूठी, एक चेन, सूट का कपड़ा, और फिर जेठ जेठानी के कपड़े, सास ससुर के कपड़े, और फिर शगुन के लिए भी तो थोड़ा बहुत। आप लोग बिना कभी कभी कमाल की बातें करते हो। वैसे ओबराय साहब खास ये कहने के लिए आए थे कि उन्हें कुछ नहीं लेना है, और आप हो कि बस रिवाज के पीछे पड़े। अजी ये तो कहने की बात है कि हमें कुछ नहीं लेना है, अब जरा सोचो हमने अगर उन्हें कुछ नहीं दिया तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? उनको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बाबूजी। हम तीनों भाइयों में एक ही तो बहन है, क्या हम लोगों का दिल नहीं चाहेगा कि अपनी बहन की शादी हम लोग धूमधाम से करें? हाँ प्राजी, चाहे हर चीज थोड़ी हल्की बनवा लो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना। हल्का क्यों चाची, आप लोग जितने सामान गिनवा रहे हैं उसको पकड़कर थोड़ा और ऊपरी खर्चा पकड़कर कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 20,000 या 25,000। ओए ओए बड़ी हेकड़ी में बोल रहा है तू, ऊंचे ऊंचे 20,000 25,000। ओए इतना रुपया इस वक्त कहां से आएगा हैं? देखो जी, ज्यादा से ज्यादा खींचा तानी करके 11,000। 11,000 में आजकल बाबूजी क्या होता है, और माना कि 11,000 आपकी तरफ से आ गए तो बाकी का खर्चा करण और अज्जू प्राजी क्या कुछ नहीं करेंगे? और क्यों नहीं करेंगे, निम्बू उनकी भी तो लाडली बहन है। और फिर जब रोके में आपने उनको नहीं बुलाया था लेकिन वो लोग आए थे ना, और फिर जब सगाई की बात आप उनसे करेंगे तो क्या वो अपनी पीठ दिखला देंगे? और चाची इसे कह दो कि मेरे से बहस ना करें, कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना तो आप ही कहोगे कि बड़े कड़वे हो गए हो जी। देखो जी, जो भी है ना मुझे अपने तरीके से कर ले, ठीक ही होगा जो होगा। हाँ हेलो। हाँ अभी बोलो। हाँ बोलो। अभी तक नाराज हो? नहीं तो। आई एम सॉरी, मैं कल रात को आ नहीं सकूं। कोई बात नहीं, आज आ सकोगे? हाँ आ जाऊंगा। ठीक है, मैं खाना बना के रखूंगी, साथ डिनर करेंगे। कितने बजे तक आ जाएंगे आप? मैं ऑफिस से घर जाके फ्रेश होके आऊंगा। और राधिका? उसे मैंने वापस जाने के लिए कह दिया। ओके बाय। बाय। शाह जी। हाँ जी। ये देख लो जी,
ये लिस्ट बनाई है मैंने। अब जी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे तो ये थोड़ा कम लग रहा है जी। किधर से कम है चाची, लड़के को मुंदरी तो दे ही रहे हैं, थाली में कैश रख देंगे, सबके लिए अलग अलग लिफाफे बना लेंगे, इसमें कम क्या है? सो तो है, लेकिन अब देख लीजिए जैसी आपकी मर्जी। बाऊजी, बाऊजी, शशि मेरे पास आया था, बहुत रो रहा था। वो कह रहा था कि जानता हूँ क्या कह रहा था, पर बाऊजी जितना आपका बजट है उसमें सारा अरेंजमेंट हो सकता है। मैं कुछ दुकानदारों को पहचानती हूँ, उन्हें जानती हूँ, और उन्हीं में से कुछ लोग हमारे बैंक के कस्टमर्स हैं। उसमें से मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है। बाऊजी, आपके बजट में वो सब कुछ आ जाएगा जो चाय जी और चाची चाहती हैं। क्या सोच रहे हो जी तुसी? अब जितना आपका बजट है आप उतने दे दीजिए बस। हाँ ठीक है, ठीक है, जो करना है करो। राधिका। भाभी कैसी हैं आप? हेलो राधिका। नमस्ते लीना भाभी, कैसे हो आप? नमस्ते भाई साहब। दिव्या, चाची के पास जाना। आइए ना भाभी, खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, आइए भाई साहब। नहीं राधिका, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को लौटते वक्त फिर आऊंगा, तभी अविनाश भी यहाँ होगा। वैसे सब कुछ ठीक तो है ना राधिका? जी भाई साहब बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी ही देर पहले आते तो आप इनसे भी मिल लेते। खैर शाम को तो आप आ रहे हैं ना, इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे और खूब गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, अच्छा लीजिए। आई ना भाभी बैठी, आई। अरे फोन बज रहा है, उठा ले। निम्मो, निम्मो पुत्र, फोन उठा ले पुत्र। जी बाऊजी। हेलो। हेलो निम्मो, मैं रवि बोल रहा हूँ। किसका फोन है? अरे रख क्यों दिया? जी बाऊजी वो। किसका फोन, किसका था? उठा उठा फिर से उठा। बाऊजी आप ही देख लीजिए। अरे तू खड़ी है, उठ। कमाल की लड़की है। हेलो। हेलो नमस्ते जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, खुश रहो, जिंदे रहो पुत्र जी। और की हाल चाल? क्या मैं निमो से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, नहीं जी मैं गल कराना, बिल्कुल गल कराना। एक सेकेंड होल्ड करो तुम बस। जा पुत्र बात कर ले। किसका फोन है जी? अपने रवि जी का फोन है। हाय राम, उसके फोन का यहाँ क्या काम? यहाँ क्या काम मतलब? मतलब ये कि आओ जी आओ, हम जरा बाहर की हवा खा के आते हैं। नहीं ताजी, ताजी। लेकिन मुझे यहीं रहना। मैं चाय जी यहाँ क्या करोगे? आओ मेरे साथ, आओ तो सही। सुन तो लू क्या बोल रहा है वो। हेलो। कमाल है यार, इतनी देर लगा दी फोन लेने में। मैं क्या करती, बाऊजी और चाय जी यही थे ना हमारे घर में, हमारे सगाई की बात हो रही थी। मैं इतना एक्साइटेड था कि सोचा मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बट लिसन, मैं तुम्हें थैंक्स नहीं देने वाला फोन पे। जी अरे तुम तो घबराई गई। एक्चुअली आई वांट टू मीट यू। हाँ पर ये कैसे हो सकता है? वो मुझे नहीं पता, मुझे मिलना ही है और वो भी आज ही। निम्मो मैं फोन रखती हूँ। जी क्या कह रहे थे वो, बात हुई तेरी? जी चाय जी वो कह रहे थे कि उन्हें मुझसे मिलना है आज ही। चाय जी पर मैंने मना कर दिया था पर वो सुन ही नहीं रहे हैं। अरे देखो जी आप बात करिए फोन पर, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ कर लेते हैं बात, कर लेते हैं। हाँ, अभी करो। क्या कर लेते हैं? कर लेते हैं। लो उन्हीं का फोन होगा, आप बात कीजिए जी। हेलो। हेलो हाँ जी ओ राय साहब, सत श्री अकाल महाराज।
हाँ वो दरअसल फोन अंगेज था जी थोड़ा। हाँ मालूम है जी मालूम है, क्योंकि साहबजादे को रंगे हाथों पकड़ लिया मैंने। हाँ जी आपको तकलीफ दी ये बताने के लिए कि सगाई की रस्म आते वीरवार को रख दी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ जी इसी वीर एक सेकेंड होल्ड करेंगे, एक सेकेंड जी बस। उब्राई साहब कह रहे हैं कि वीरवार को अगर सगाई रख ली जाए तो। कौन से वीरवार को? यही आते वीरवार को। है रब्बा इतनी जल्दी? चाय जी जल्दी मतलब क्या, सगाई तो करनी है। हमारी तरफ से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा फंक्शन है और क्या, सब इंतजाम है। हाँ कर देता हूँ। हाँ जी उब्राई साहब। हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बिल्कुल रख लेते हैं। ठीक है जी, भगवान ने चाह तो आते वीरवार को मिलते हैं। ऐसे करने का समझे? निम्मो पुत्र। जी चाय जी। तू रोटियां बनाना शुरू कर दे, तेरे बाबूजी को भूख लगी होगी। जल्दी कर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे पुत्र आप लोग आ गए जी। बैठो बैठो मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ? चाय तो हम लोग जरूर पियेंगे, बहुत थक गए हैं। मैं और भाभी सारा सामान डिस्काउंटेड रेट पे लाए हैं। भाभी बैठिए ना। अरे देखो तो सही क्या क्या लाया। देखो हाँ जरूर। हाँ? चाय जी सब दिखाता हूँ। सबसे पहले जीजू का सामान देखिए, ये देखिए सूट लेंथ। अरे वाह। ये रही जीजू की शर्ट, हियर इज द लवली टाई, रुमाल, सॉक्स, इतना ही बोला था ना चाची? हाँ हाँ पुत्र। और ये रही निम्मो जी की सास की साड़ी, देखिए देखिए चंगी है पुत्र। और ये रही उनकी जेठानी की साड़ी। अरे वाह। ओ चाय। आहा ये भी बहुत सुंदर। चाची आपने बलवंत अंकल और जेठ जी के लिए सफारी सूट का पीस बोला था। हाँ। लेकिन अपने को सूट लेंथ के डिस्काउंटेड रेट में पीस मिल रहे थे, तो भाभी ने कहा यही ले लो। ये तो बहुत अच्छा। देखिए अरे देखिए कलर्स देखिए, ऐसे कलर्स। अरे वाह A1 क्वालिटी है एकदम। हाँ और महंगे दिखते हैं। अरे महंगे को छोड़ो, सब बताया ना 25% डिस्काउंट और 50% डिस्काउंट में मिला है। और तो और अब मैं आपको एक सरप्राइज आइटम दिखाने वाला हूँ। आराम से आराम से आराम से। हाँ जो पैसे बच गए थोड़े बहुत, भाभी जान ने जीजू के लिए ये हल्की सी चेन। अरे वाह। और ये अंगूठी देखिए तो सही। ये भी चंगी है पुत्र। हाँ दिखा दिखा दिखा, ये कुछ ज्यादा हल्की तो नहीं लगती है? नहीं ये सब उतने ही पैसे में आ गया पुत्र जी या? बाबूजी ऊपर से 800 रुपए देने पड़े, मैंने तो। एक मिनट शशि। जी बाबूजी। गिन लो पुत्र जी, पूरे 800 रुपए हैं। और निम्मो की खातिर आपने इतना वक्त निकाला, ये सब आप। बस बाबूजी बस बस कीजिए। अच्छा चाय जी मैं चलती हूँ। आजकल की कुड़ियां होती बड़ी होशियार है, 3-4 घंटे जाकर मार्केट में घूमाई और आकर एहसान जता दिया कि सस्ती सस्ती चीजें ढूंढ कर लाए हैं, डिस्काउंट में मिली है जी। घर आकर बाबूजी ने पूछा पुत्र कोई ज्यादा ऊपर से पैसे तो नहीं लगे, झट से बोल दिया 800 रुपए लगे हैं। अरे 800 रुपए कोई बड़ी चीज थी, बड़ी रकम थी, कह सकती थी कि। अरे चाय जी बस भी कीजिए, क्या बोलती रहेंगी आप। अच्छा उस दिन अपने बाबूजी पर चिल्ला रहा था, आज मुझ पे नाराज हो रहा है। देखिए चाय जी मैं किसी पे नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप शिवानी भाभी पे गलत इल्जाम लगाए जा रही है, जबकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। चाय जी उन्होंने जो भी किया है अच्छा किया है, हमारे लिए हमारे घर के लिए। आपको पता है चाय जी कि ये सारा सामान कितने का आया है? ये सारा सामान आया 17,895 रुपए का, यानी कि जितने रुपए बाबूजी ने हम लोगों को दिए थे उससे पूरे 8,895 रुपए ज्यादा, जबकि शिवानी भाभी ने बाबूजी को सिर्फ 800 रुपए ज्यादा बताया। तो फिर वो ये क्यों कह रही थी कि ये सब डिस्काउंट की लाई है? वो कोई डिस्काउंट नहीं मिला चाय जी, कोई डिस्काउंट नहीं मिला। ये सारे रुपए शिवानी भाभी ने खर्च करे, ये तो शिवानी भाभी की तहजीब है कि उन्होंने बाबूजी को छोटा ना करते हुए या हम लोगों पर कोई एहसान ना जताते हुए सारा सामान क्वालिटी का लिया है। और चाय जी जब ये सारा सामान बलवंत अंकल के घर जाएगा ना, तो भले उनको ज्यादा अच्छा ना लगे लेकिन कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये सारा सामान रोड साइड से लिया हुआ है।
पापा ने बताया कि इलाहाबाद में इसे मंगोड़ी कहते हैं। मंगोड़ी मंगोड़ी इसे इस हरी चटनी के साथ खाओ तो बड़ा मजा आता है। हम चारों भाइयों को ये बहुत पसंद है। मामा तो इसे हमारे। अरे अविनाश आओ ना। अभी कैसे हो? आओ अभी, हम कब से तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। बैठो ना अविनाश। राधिका राधिका एक कप और लाना। देखो अविनाश आया है। आप आ गए। हम इनसे कह रहे थे कि आप आने वाले। पीछे ना ये लो। थैंक यू भाभी। ये लीजिए हमने गरम गरम पकौड़े बनाए। क्या बदतमीजी है ये? तुम समझती क्या हो? इन सबको ढाल बनाकर तुम मेरे सामने खड़ी हो जाओगी और मैं डर जाऊंगा? ऑन द कॉन्ट्री तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा राधिका, कुछ भी नहीं। वाह अविनाश वाह। हम सबको कितनी गलत फहमी हो गई थी कि हमारा अविनाश कुछ देर के लिए बहक गया है, लेकिन जल्द उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो सुधर जाएगा। अविनाश राधिका तुम्हारी पत्नी है और पत्नी की भी कोई इज्जत होती है, कोई रिस्पेक्ट होती है। आज तुम इतने शेर हो गए कि हम सबके सामने राधिका के इंसल्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। आफ्टर ऑल एजुकेटेड हो, इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हो, फिर भी कह दो अपने वकीलों से अब कोई केस नहीं बचा है और जिस केस की पैरवी तुम लोग यहां करने आए हो वो खत्म हो चुकी। और एक बात और, अगर चलाकी से इस छत के नीचे रहने को तुम अपनी जीत समझती हो तो बहुत गलत सोचती हो। और एक बात और, अगर तुम इस घर में रहोगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अविनाश अविनाश देख शांत हो जा मेरे भाई। देख सुन, हम लोग यहाँ तुझसे मिलने आए हैं। थोड़ी देर हमारे साथ बैठ। आजा, आजा, प्लीज। राधिका। ओह, हेलो मिस्टर सेन, आइए प्लीज, प्लीज कम इन। आई एम सॉरी, घर में मेहमान आए हैं। जी नहीं, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं और मेरी दो भाभियाँ। नमस्ते। और ये मिसेस सेन मेरे बॉस की वाइफ। ओ आइए ना मिसेस सेन, व्हाई डोंट यू जॉइन अस। आइए ना। चल रही है।